बीकानेर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। गैंगस्टर रोहित गोदारा पर पुलिस ने इनाम बढ़ा दिया है। अब रोहित गोदारा की सूचना देने वाले को 5 नहीं 10 हजार का इनाम मिलेगा। पहले रोहित गोदारा पर 5 हजार का इनाम था। यदि कोई व्यक्ति सूचना देता है तो उसे अब मिलेगा 10 हजार का इनाम। दरअसल नोखा में फिरौती मामले में वॉन्टेड है रोहित गोदारा। हाल ही में राजू ठेठ की हत्या से भी रोहित गोदारा के तार जोड़े जा रहे हैं। आईजी ओम प्रकाश ने निर्देश जारी किए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर ये कि रोहित गोदारा, जिसने हाल ही में राजू ठेठ की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में लिखा था कि भाई आनंद पाल और बलबीर बानूड़ा की हत्या का बदला लिया गया है और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से किया गया है, वही रोहित गोदारा है जिसको अब पुलिस तलाश रही। हालांकि उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो हिंदुस्तान में है ही नहीं, वो हिंदुस्तान से दूर किसी अन्य देश के अंदर है। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर, इनाम राशि को बढ़ाया गया है, 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है। हालांकि 10 हजार के लिए भी क्या कोई वाकई में रोहित गोदारा का सुराग देगा, यह अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि बहुत से गैंगस्टर ऐसे भी हैं जिन पर लाखों का इनाम और उनके बारे में भी सूचना आसानी से नहीं मिलती। यहां रोहित गोदारा के बारे में महत्वपूर्ण चीज यह कि वो देश में ही नहीं है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, पुलिस ने हालांकि इनामी राशि को दोगुना कर दिया है, लेकिन फिर भी ये 10 हजार है। मेरा सवाल यह कि रोहित गोदारा के बारे में अगर मैं गलत नहीं तो वो देश में ही नहीं, तो सूचना मिलेगी कैसे, और क्या ये इनाम आपको लग रहा है काफी है? देखिए आप, वो भी बिल्कुल ठीक बात है, देश में नहीं, अजरबैजान में बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी है वहां पर उसने जगह ले रखी है, वहां पर है वो, है जो भी है, लेकिन पुलिस का एक प्रोसेस है। दरअसल इस पर पहले मैं आपको बताऊं, विजेंद्र, 5 हजार का इनाम एसपी ने घोषित किया हुआ था, तो ऐसे में अब इसको 10 हजार किया गया है। और इसमें दरअसल नोखा में एक रंगदारी का केस है, इसमें उसने पैसे मांगे थे, धमकाया था घर जाकर, उस मामले में कहीं ना कहीं वांछित है, और इसके अलावा कुछ और मामले भी हैं। तो दरअसल ये एक तरीका पुलिस जो अख्तियार करती है, इससे कहीं ना कहीं लोगों में एक बात जाती है कि किस तरह का ये अपराधी है। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह से फेसबुक अपडेट किया था, हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान नहीं दे रहा है पुलिस का अधिकारी, लेकिन माना यही जा रहा है वो एक एंगल बड़ा एंगल है, और ये तमाम चीजों को जोड़ना चाह रही है पुलिस, और कहीं ना कहीं इसीलिए ये राशि बढ़ाई गई है। लक्ष्मण, क्या इसको सिर्फ एक रूटीन प्रोसेस मान लें? मैं इस सवाल को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद इस सवाल पर इसलिए नहीं, भाई वो देश में है ही नहीं, वो विदेश में है, एक बार के लिए मान भी लेके कोई सूचना दे भी देगा तो भी राजस्थान पुलिस सीधा जाकर उसको नहीं पकड़ सकती, विदेश मंत्रालय के माध्यम से एक पूरा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए उसको यहाँ लाया जा सकता है। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सटीक कह रहे हैं, और ये आप इससे पहले ये भी जो कहा आपने, कई अपराधियों पर आपको याद होगा जगन गुर्जर पर एक बार 10 लाख का इनाम था जी, तो ठीक है उनका कोई असर नहीं होता, लेकिन पुलिस को अपना के रखे हुए है, लंबे समय से चला रहा है, पुलिस की मुखबिर योजना भी है, तो ठीक है पुलिस कहीं ना कहीं कोई उम्मीद देखती है, तो बुरा उसमें नहीं है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि जब देश में ही नहीं है, सूचना मिल भी गई तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल अपडेट है दरअसल राजस्थान के लोगों के लिए, खासतौर पर तब जब राजू ठेठ की हत्या के मामले में। अपनी नजर में तो बड़ी खबर है क्योंकि रोहित गोदारा का नाम इस वक्त पूरे राजस्थान में घूम रहा है। राजू ठेठ की हत्या के बाद सबसे पहला शख्स है वो जिसने बाकायदा ये कहा कि हाँ हत्या की गई है, बड़े भाई आनंद पाल और बलबीर बानूड़ा की हत्या का बदला लिया गया, उस नजर से वाकई में एक बड़ी खबर है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बड़ी खबर है, दरअसल उसने जिम्मेदारी ली है, हालांकि उसकी जिम्मेदारी के बाद भी पुलिस अभी तक तो यही पता नहीं कर पाई कि अब जिम्मेदारी उसी ने ली, वाकई उसकी आईडी से थी, या एक केवल सोशल मीडिया पर फिल करने के लिए ऐसा कुछ किया गया है, तो तमाम चीजें हैं मुझे लगता है जिनकी पड़ताल पुलिस कर रही है, हालांकि कुछ दिक्कतें भी आती हैं इसमें, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया की जो बात है, लेकिन फिलहाल जो है अपडेट यही है, रोहित गोदारा खुद जिसकी आईडी से ये जिम्मेदारी ली गई थी कि उसने ही राजू ठेठ की हत्या की है, उस पर जो है इनामी राशि बढ़ा दी गई है और अब 10 हजार का इनाम कर दिया गया। लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ।